हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं एक डेजर्ट रेसिपी जो कि है सेवैया की खीर। सेवैया की खीर बनाना बहुत ही आसान है और झटपट बन जाती है, तो आइए बनाना शुरू करते हैं। एक लीटर दूध हमने लिया है और ये मेरे पहले से गर्म करके ठंडा किया हुआ दूध है, तो इसे मैं बॉईल करने के लिए रखती हूँ। जब तक कि हमारा दूध गर्म हो रहा है, बॉईल हो रहा है, तब तक हमें ये दूसरे गैस पे एक कढ़ाई रख ली है हमने। इसमें हमने एक टेबलस्पून घी डाल लिया है। ये मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स लेती हूँ। ड्राई फ्रूट्स आप आपके चॉइस के अनुसार ले सकते हो या आपके पास जो भी अवेलेबल है वो यूज़ कर सकते हो। मैंने काजू, बादाम, पिस्ता और किशमिश लिए हैं, तो ये मैं थोड़े से घी में रोस्ट कर लेती हूँ। घी में रोस्ट करने से इनका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है खीर में। ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके हमने निकाल लिया है, इसे बाजू में रखते हैं। और ये जो घी इसमें है, इसमें ही एक टेबलस्पून घी में और डाल लेती हूँ। और इसमें हम सेवैया गोल्डन कलर आने तक रोस्ट कर लेंगे। ये मैंने एक कप सेवैया ली है, इसे हमें बहुत अच्छे से रोस्ट करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, पहले जो हमने सेवैया ली थी उसमें और अभी जो कलर है इसमें चेंज आ चुका है, पर अभी भी हमें इसे थोड़ा और रोस्ट करना पड़ेगा। मैं इसे और 3-4 मिनट रोस्ट कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे सेवैया को कितना अच्छा कलर आया है, आप देख सकते हो। आपको ये देखिए, ऐसा गोल्डन कलर आना चाहिए। हम गैस का फ्लेम ऑफ कर लेते हैं। दूध को 5-6 मिनट उबाल लिया है अच्छे से। अभी हम जो हमने सेवैया रोस्ट करके ली है उसमें दूध को ऐड करते हैं। इसे धीरे से ही ऐड करना है क्योंकि ये गर्म है बहुत। तो हम सेवैया को इसमें दूध में पकने देते हैं। ये 3-4 मिनट के लिए हमने सेवैया और दूध को अच्छे से पकने दिया है। अभी इसमें हम ये एक कप का मैंने थोड़ा सा कम शक्कर लिया है, ये इसमें ऐड कर लेते हैं। शक्कर आप आपके चॉइस के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हो, पर ये थोड़ा मीठा ही अच्छा लगता है। साथ में हम ये हरी इलायची का हमने पाउडर लिया है, ये इसमें ऐड कर देते हैं। अभी हम ये ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड करेंगे। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हम ऊपर से डालेंगे। और ये चारोली है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। आपको पसंद है तो आप केसर भी इसमें डाल सकते हो। ये हमने 4-5 मिनट के लिए अच्छे से उबाल लिया है खीर को। अभी हम गैस का फ्लेम ऑफ कर लेते हैं। तो इसे बंद करने के बाद मैं इसमें 1 चम्मच घी और ऐड करती हूँ ताकि इसको शाइन आए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी खीर बनके तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही अच्छी बनी है। मैं चमचे से आपको इसका थिकनेस दिखाती हूँ।
ये देखिए ये हमारी खीर कितनी अच्छी बनी है, आप देख सकते हो। अभी मैं इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी सेवैया की खीर बनके तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही अच्छी बनी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, उससे मेरी रेसिपी आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो फिर मिलते हैं किसी नए और टेस्टी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।